राम राम भाई लोगों। तो भाई लोगों लेके आए आपके नया वीडियो, और ये मेरा भाई सूरज मेरे साथ में है। तो सूरज भाई यहाँ पे आया था 2 महीने पहले, बहुत सी प्रॉब्लम भी देखी, बहुत सा कुछ देखा लाइफ में। तो सूरज भाई एक्सप्लेन करेगा अपनी लाइफस्टाइल और मेरे से मिलने के बाद में भाई को कैसा लगा वो भी बताएगा भाई। हाँ भाई बताओ। भाई मैं क्या एक्सप्लेन करूँ यार, ये तो 8 महीने से यहाँ पे है और मैं तो सिर्फ 3 महीने से यहाँ पे हूँ। तो ये है कि भाई हेल्प लो यार, ये मत हिचको मत, पर यहाँ पे बहुत बहुत ऐसी दुनिया है अपने इंडिया की, और इंडिया की मान लो तो जो लूटने में लगी हुई हैं। हेल्प लो, प्रकाश भाई से कांटेक्ट करो इनसे, क्योंकि मैंने देखा है इनसे, इनको भाई सिर्फ इनको हेल्प करना अच्छा लगता है, तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुमसे कुछ चाहिए नहीं। पर यहाँ पे तुम्हें ऐसे बंदे मिलेंगे जो जिनको तुमसे चाहिए। चलो भाई पहले ये एक सच्चाई बताओ, कितने टाइम बाद में मैंने आपका फोन उठाया पहले तो ये बताओ। मेरे पास तो नंबर ही नहीं था, पहली बात तो इनका नंबर ही नहीं था। मैं इनको इंस्टा पे मैंने कम से कम 10-15 मैसेज किए होंगे, कभी रिप्लाई नहीं आया मेरे को। एज अ फ्रेंकली ब्रो, फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं इंस्टा पे बहुत सारे मैसेज किए पर कभी इनका रिप्लाई नहीं आया। पर कहीं से नंबर मिला तो बात हुई, तो आज हम पहली बार मिले हैं। देख लो मेरे को 3 महीने हो गए, 3 महीने भाई का भाई को परसों फोन आया था मेरे पास में। चलो ये टाइम अपन क्लोज करते हैं। परसों भाई का मेरे पास फोन आया था और भाई ने बोला था मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, मैं यहाँ से ट्रांसफर करवा रहा हूँ इंडिया से, पर लोग पैसे मांग रहे हैं 500 कूना 600 कूना। तो मैंने बोला भाई तू इतने पैसे क्यों दे रहा है, मैं तेरे को अरेंज करवा के दूंगा फ्री में। और भाई मैंने फ्री में अरेंज करवाया कि नहीं करवाया? एक चार्जेस नहीं यार, 1 रुपया भी नहीं भाई। भाई अभी भाई 7,000-7,500 रुपए लग जाते हैं अगर इंडिया से पैसे मंगवाने हो या भेजने हो तो। भाई हैप्पी है, इस ट्राम में चलना अपने को, इस ट्राम में चलना है। कहाँ जाना है? तू चल रहा है मेरे साथ अहमदाबाद? नहीं नहीं आप पहुँचो। अच्छा तो फिर आप तो जॉब पे जा रहे हो ना यार? मैं जाऊँगा बट चलो कोई चक्कर नहीं, अगर जॉब पे जा रहे हो। तो भाइयों ये वीडियो बनाने के पीछे और कोई मकसद नहीं था, बस यही था कि भाई आया मेरा। देखो मैं सबकी हेल्प नहीं कर पाता क्योंकि मैं यार एक हूँ, और जिसको चाहिए है वो बहुत से बंदे हैं जिनको हेल्प की जरूरत है और है। तो भाई मैं क्या बताऊँ आपको, नहीं हम जल्दी भाई जल्दी बहुत अच्छा प्रोग्राम सेट करेंगे तुम सब भाइयों के लिए जो इंडिया से आ रहे हैं। भाई मेरे को मिला और भाई के पास भी कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी, तो भाई ने मेरे से शेयर की कि भाई मैं यहाँ पे आया, मैंने भी धक्के खाए, तो मैंने ये चीज सीखी, जैसे मैं हूँ मैंने धक्के खाए, मैंने कुछ सीखा, भाई ने कुछ सीखा, किसी और ने कुछ सीखा, तो वो मिला के हम कुछ करना चाहते हैं और वो हम करेंगे। फिलहाल आप इंजॉय लो, अभी देखो ये नहीं चाहते कि तुम भी धक्के खाओ यहाँ पे आके, तुम्हारे लिए हम हैं बस। भाई अभी अभी आपको मैं यहाँ का दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसा है मौसम और क्राउड, बिकॉज स्टार्ट हो चुका है अभी यहाँ पे टूरिस्ट, अंधेरा होने तो यहाँ पे तब स्टार्ट होता है। अभी आप देखो यहाँ पे चारों तरफ, ये देखो तो आप देख रहे हो हर तरफ क्राउड क्राउड क्राउड, फुल क्राउड है। अभी तो क्या कि मतलब ये स्टार्ट हुआ है, तो अभी जब जैसे थोड़ी नाइट होगी तो यहाँ पे फुल क्राउड, फुल चारों तरफ फुल क्राउड ही क्राउड होगा। तो ये मेरा भाई है और हम लोग यहाँ बैठे हैं जागरण सेंटर में, और मेरी भी छुट्टी और भाई तो मिला है वैसे। हम तो वेल्ले भाई बिल्कुल ही वेल्ले मैं। तो भाई टेंशन मत लो, और भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि भाई प्रॉब्लम में था, और पता है क्या होता है, आप यार किसी की हेल्प मत करो लेकिन कोई प्रॉब्लम में उसके साथ अगर आप 10 मिनट बात भी कर लोगे ना अच्छी, तो उसको क्या है कि एक एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है, उसको लगता है कि नहीं यार कोई तो है जो अपने को चाहता है, जो अपने लिए सोचता है, तो देश से दूर भी बस वही है। बाकी भाई इंजॉय करो और मैं वीडियो लेके आऊँगा, और अब तो वीडियो आने का मतलब भी बनता है। क्यों? क्योंकि भाई को पता है बताएंगे नहीं क्यों, अब तो वीडियो इंतजार करते रहोगे वीडियो का, भाई की प्रकाश भाई की वीडियो का इंतजार करते रहोगे हर बार, बिकॉज अब ब्रदर हमारी ट्राम आ गई तो हम ट्राम में चलते हैं। फॉलो करते रहो बस इसको भाई को, रूम पे चले तो मेरे को लेना है। तू अभी जाएगा बंद है? मैं था तो आपको भी नहीं पता, अगर अभी आपको लेना है ना लोकेशन आपको पता है ठीक है, आप लोकेशन पे जाके आपको ये भी पता है कि आपको रूम पे कैसे जाना है, जस्ट जाके मेरे को कॉल करो नीचे देने आ जाएगी। तो भाइयों ये देखो अब हम जा रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं यहाँ की गलियाँ और यहाँ के सब कुछ। उस समय पहले क्या कि मैं रिकॉर्डिंग करता था, पहले मेरे पास नहीं था एक गैजेट जो रिकॉर्डिंग करने वाला है यूट्यूब का, अभी मेरे पास गैजेट है तो मैं आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हो हर तरफ की चीज़ देख सकते हो। अब मैं आपको बहुत सारे न्यू वीडियो आने वाले हैं जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कहाँ से आपको क्या चीज़ लेनी चाहिए क्या नहीं लेनी चाहिए। और सबसे चीपेस्ट जो है मैंने लिडिल देखा था, लिडिल से भी चीपेस्ट एक है जो अपना क्या है जबाक शॉप है, जिसपे आपको जो भी चीज लेनी होगी वो आपको बहुत कम प्राइस में मिलेगी, बिकॉज
बिकॉज क्यों जो एक्सपायरी डेट होती है नियर बाई एक्सपायरी की डेट होती है ना वो वहाँ पे मिल जाती है. और जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीद ली जो आपको आज यूज नहीं है तो वहाँ पे मिलेगी, जैसे 15 दिन बाद में एक्सपायर होने वाली है तो वो चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी, तो वो सस्ती भी मिलेगी तो वो आपके लिए बेटर है. और बाकी देखो अभी यहाँ का मौसम और मुश्किल से एक या डेढ़ घंटे बाद यहाँ पे फुल क्राउड होगा और फुल लाइक अ पार्टी. और ये आज का ही नहीं है, ये एवरी डे ऐसे ही रहता है. और सैटरडे और संडे तो बस पूछो मत, सैटरडे संडे तो फुल फन रहता है. ये यहाँ पे ओपन बार है जिसमें मैं काफ़ी टाइम आया हुआ हूँ क्योंकि मैं काम करता था यहाँ पे. मेरा एक फ्रेंड का बार है इस साइड में, आप जानते हो थॉमस, मैं सब जगह काम करता हूँ भाई. तो देखो आप हर चीज़ देखते चलो. बाकी भाई कुछ नहीं है लाइफ में, कुछ नहीं है, स्ट्रगल करो, मेहनत करो, मेहनत के साथ फन करो और सब कुछ चलता रहेगा भाई. प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना छोड़ दो. एंजॉय करो लाइफ को, उस हिसाब से करो कि आपको पता होना चाहिए कि यार आपकी प्रॉब्लम्स क्या है. ये मत देखो कि यार वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा कुछ भी करो अपनी लाइफ में, वो फन करो, एंजॉय करो, कुछ करो, उसकी प्रॉब्लम है. आप लोग ये देखते हो यार उसकी लाइफ तो अच्छी है, उसकी लाइफ उसके जैसी लाइफ होनी चाहिए. नहीं, आप अपनी जैसी लाइफ जियो, वो अच्छा है तो वो आपके लिए बेस्ट रहेगा. बस बाकी सुबह मैं यहाँ पे आया था, आप लोगों को सबको पता होगा मैंने वीडियो भी लगाया था. ये वही बैंक है जिसमें मैंने पैसे लगवाए थे आज, क्योंकि मेरे फ्रेंड को ज़रूरत थी तो मैंने पैसे लगाए थे. देख सकते हो आप, ये वही बैंक है, ये पीवीजेंट बैंक है. तो मैंने यहीं पे पैसे लगाए थे मेरे फ्रेंड को. और ये गली है, इस गली में मैं बहुत बहुत बार जा चुका हूँ क्योंकि मैं काम करता था अपने इसमें म्यूजियम में काम करता था. आप लोगों को मैंने दिखाया था मैं सचिन उस समय पेंट कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ नहीं था और पेंट करना था क्योंकि अगले दिन फंक्शन था, इसलिए हमने वो पेंट भी किया था. बाकी हमारा काम था उस समय बार टेंडरिंग का तो हम करते थे. बाकी यहाँ पे आप देखोगे ना तो यहाँ पे रोड पे आपको यही मिलेंगे, क्लब बार, कैफे बार, लाइक दैट, इस टाइप के मिलेंगे. बाकी भाई आओ, बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छी कंट्री है. कंट्री में जैसे आप क्रोशिया में आ गए तो आप जगरेब में काम करोगे तो आपको मजा आएगा. हाँ, 5 रुपये आप कम कमा लो, जैसे आप सी साइड पे जाओगे तो 5 रुपये आपको ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन जगरेब में काम करने से आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपके फ्रेंड्स बनेंगे और हर वक्त आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा. वैसे देखो आप हर जगह फुल कराओ हर जगह ऐसे लोग बैठे रहते हैं. तो आओ, मैं तो यही कहता हूँ, आओ और मिलो सब लोगों से, जितने भी अपने भाई बंधु हैं उनसे सबसे मिलोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा. मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं, मतलब बहुत से लोग आते हैं वो यहाँ से आगे चले जाते हैं. आगे जाने में क्या है भाई, यहाँ रहोगे ना तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और सीखने को मिलेगा फिर आगे चले जाओ, फिर आगे जाओ, फिर आगे जाने का मतलब है क्यों, क्योंकि भाई कुछ सीख के जाओगे तो वहाँ आपको अच्छी जॉब मिलेगी. तुम इसलिए आगे जा रहे हो, तुम्हारे पास यहाँ पे रास्ते नहीं है अच्छे. अभी प्रकाश भाई भी और हम मिलके तुम्हारे लिए अच्छे रास्ते यहाँ पे खोलेंगे भाई. रास्ते बहुत जल्दी आपके आपको मिलने वाले हैं, तो टेंशन मत लो, फॉलो करो बस प्रकाश भाई को ताकि तुम अच्छे रास्तों के राह पे रहो. ज्यादा से ज्यादा शेयर करो. और मैं तो ये कहता हूँ भाई, शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि मैं आगे ग्रोथ करूँगा तो आप भी उसके अंदर. यही है, आपको कुछ ना कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार मैं जितनी हो सके उतनी अपॉर्चुनिटी मैं देखूँ यहाँ पे, क्योंकि भाई मैं अपॉर्चुनिटी देखूँगा, मेरा ही बेनिफिट है उसमें. बेनिफिट ये है कि आप लोग यहाँ काम करोगे, मेरे पास में एक बड़ा कॉन्टैक्ट होगा. और YouTube, आपको पता है YouTube मैंने स्टार्ट किया था एक नॉर्मल वे के लिए, लेकिन अभी YouTube मेरे को वो चीज़ दे रहा है जो चीज़ मैं, मेरा ड्रीम था कभी कि मेरे पास एक बड़ा ग्रुप हो, बड़ा कॉन्टैक्ट हो, कि मैं अगर कुछ भी मेरे को चाहिए, कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं बस एक वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ और 1000 बंदे मेरे पीछे खड़े हों, बोलें भाई टेंशन मत लो. तो वही चीज़ मेरे को YouTube दे रहा है और वो मेरे को चाहिए भी. ठीक है भाइयों, रिटर्न देंगे यार अब तुम्हें, और क्या है? बस मिलते हैं. और ये मेरा भाई इधर.